मैंने भी चलाते हुए मुझे थोड़ा सा फील हुआ, इसके अंदर बहुत सारी कसर बकाया है। जी जी है, थोड़ी बहुत है। आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, असल में हम लोगों ने मॉडल तैयार करना था। ठीक है, मॉडल तैयार, मॉडल अभी मॉडल है, मॉडल हमारा तैयार है। तो मुझे पता है इस पे टोटल कॉस्ट कितनी है आप लोगों की? 168,500, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बना है ना, तो इस वजह से ज़्यादा कॉस्ट आई है। लेकिन अब मुझे सेकंड टाइम अगर कोई इसको बनाने के लिए कहता है ना, तो हम उसको 80% में तैयार करके दे दें। मतलब लाख के अंदर अंदर हो सकता है, मुश्किल होगा। हाँ, हो सकता है, अगर दो तीन दफ़ा हो जाए, क्योंकि अगर दो तीन इकट्ठे आ जाए तब तो लाख तक अप्रोच हमारी हो, अप्रोच हो जाएगी। और ये स्पेशली आपने जो डिसेबल्स लोग हैं उनके लिए और फीमेल्स के लिए, फीमेल्स इसी वजह से इसकी स्पीड हम लोगों ने लोकलाइज की हुई है 35-40 किलोमीटर/आवर, ताकि ओवर स्पीडिंग ना हो और एक्सीडेंट का खतरा ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मेहराब हबीब और आप देख रहे हैं T4 तमाशा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने लगी है। इकबाल के शाहीन ने एक ऐसा बाइक बनाया है जो कि टोटली लोकल मार्केट की चीज़ें उसमें इस्तेमाल हुई है। मैं आपके सामने इसको चला के आया हूँ। मोटर गार्ड देख लें, टैंकी देख लें, हैंडल देख लें, क्लच ब्रेक चेक कर लें, और ये इलेक्ट्रिक बाइक है। जहाँ पर इस टाइम मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप मेरे साथ हैं, अरियान भी मेरे साथ मौजूद हैं, स्टूडेंट है, लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी इनका चल रहा है, हाईटेक स्टूडेंट है, इन्होंने ये व्हीकल तैयार किया है मज़ूर अफराद के लिए और ख़वातीन के लिए, फैमिलीज़ के लिए, जो बच्ची हमारी बहनें और आंटियाँ जो चलाती हैं, जिनका वाली वारिस कोई नहीं है, कहती हैं हम लोग काम करें, और ऐसी भी हैं जिनके वारिस हैं लेकिन फिर भी वो चलाती हैं बाइक। तो एक बैटरी पर ये चार्ज होकर कितना काम करता है, लोकल असम्बल हुआ हुआ ये टोटल। और इस टाइम मैं जो बात करता है कि लोकल मार्केट के अंदर इस टाइम जो चाइना के व्हीकल्स आए हुए हैं, तकरीबन 2.5-3 लाख रुपये का अच्छा बाइक मिलता है जो 60-70 किलोमीटर की एवरेज करता है। और उसके अलावा उसके स्पेयर पार्ट कहीं से नहीं मिलेंगे आपको, ना उसका बम्पर मिलेगा, ना टैंकी मिलेगी, ना क्लच मिलेंगे, कुछ भी उसका मार्केट से नहीं मिलेगा। जब वो टूटेगा, एक्सीडेंट हो, खुदा ना खासा कुछ भी होता है, तो फिर मैकेनिक ने उसकी जुगाड़ ही करनी है। तो ये वो बाइक है जिसका आपको पता है बम्पर भी मिल जाएगा, पंचर हो जाता है, मार्केट से लग जाएगा, कोई भी ईच एंड एवरी थिंग जो है लोकल मार्केट, जो आम 70 cc हमारा बाइक है चाइना का या 70 होंडा का, उसकी चीज़ इस्तेमाल हुई है। अरियान भी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। लास्ट ईयर आपने क्या पंगा ले बैठे हैं ये वाला है? बस हमारा FIP था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। ठीक है, बस सर ने कहा, मैंने टारगेट दिया, सर ने टारगेट दिया, फिर मैंने उसको अचीव कर लिया। अचीव कर लिया, और आप इसमें कामयाब है? मैंने भी चलाते हुए मुझे थोड़ा सा फील हुआ, इसके अंदर बहुत सारी कसर बकाया है। जी जी है, थोड़ी बहुत है। आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, असल में हम लोगों ने मॉडल तैयार करना था। ठीक है, मॉडल तैयार, मॉडल अभी मॉडल है, मॉडल हमारा तैयार है। अब इसमें जाहिर सी बात है, एज पर रिक्वायरमेंट और एज पर सिचुएशन, जिसको जो चीज़ रिक्वायरमेंट होगी वो आप इंस्टॉल कर। देखिए, इशारे लगे हुए हैं, हेडलाइट भी है, बैक लाइट भी है। अच्छा, मुझे पता है इस पर टोटल कॉस्ट कितनी है आप लोगों की? 168,500, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बना है ना, तो इस वजह से ज़्यादा कॉस्ट आई है। लेकिन अब मुझे सेकंड टाइम अगर कोई इसको बनाने के लिए कहता है ना, तो हम उसको 80% में तैयार करके दे देंगे। मतलब लाख के अंदर अंदर हो सकता है, मुश्किल होगा। हाँ, हो सकता है, अगर दो तीन दफ़ा हो जाए, क्योंकि अगर दो तीन इकट्ठे आ जाए तब तो लाख तक अप्रोच हमारी हो, अप्रोच हो जाएगी। अच्छा, मुझे बताएं कि इसकी जो बैटरी आपने बताई थी कि लिथियम यूज़ किया आपने? लिथियम फॉस्फेट की बैटरी यूज़ की। और एक चार्ज में कितना चलेगा ये अगर, क्योंकि ये ड्यू टू 4 व्हील्स हैं तो ये 30 किलोमीटर निकालेगा, लेकिन अगर 4 व्हील्स ना होते, 2 व्हील्स होते, तो ये 60-70 किलोमीटर आराम से निकाल लेता। अभी भी आपने देखा होगा कि मैं यहाँ से आया हूँ चलाकर गुदवाल से। ठीक है, और कोई भी ऐसी चीज़ ऐसी जो इम्पोर्टेड हो जो बंदा की लोकल मार्केट से नहीं मिलेगी? नहीं नहीं, और ईजिली आपने खुद देखा है हर चीज़, इवन मडगार्ड, टायर्स, ट्यूब्स, हब्स, सब कुछ लोकली मार्केट से हम लोगों ने लिया, ताकि हर बंदे के इजीली अप्रोच हो सके, उसको किसी के पास जाना ना पड़े परेशान। और ये स्पेशली आपने जो डिसेबल्स लोग हैं उनके लिए और फीमेल्स के लिए, फीमेल्स इसी वजह से इसकी स्पीड हम लोगों ने लोकलाइज की हुई है 35-40 किलोमीटर/आवर, ताकि ओवर स्पीडिंग ना हो और एक्सीडेंट का खतरा ना हो। गुड हो गई ना, आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी, छोटी मुख्तसर सी वीडियो। इकबाल के जैसा शाहीन जिसने अपना एक कॉन्सेप्ट लेके चला, इसको टारगेट मिला, इसने अचीव कर लिया। तो कहने का, बताने का, वीडियो बनाने का ये मकसद है, इनको अप्रिशिएट करने का ये मकसद है कि पाकिस्तान की आवाम में हमारे इकबाल के शाहीन में टैलेंट है, उसको सिर्फ निखारने की ज़रूरत है, उसके अंदर डूबने की ज़रूरत है, वो आपको कुछ ना कुछ फ्लावर्स, खुशबुएँ ज़रूर देगा। तो अगर टारगेट और यूथ को दिया जाता, कोई और भी ऐसे काम है जो दिए जाए, तो हमारी पाकिस्तानी आवाम यूथ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सारे फेसबुक और यूट्यूब वाले हैं, ये काम भी करना जानते हैं। और मैं बड़ा मज़ा आया इसको मुझे चलाकर, कि ये एक ये सक्सेसफुल है, मतलब मिशन इनका। ऐसी बात ये देखें, ये चक्कर बेहतरीन, ये लड़कियां आराम से इसको चला सकती हैं। ये गिरेगा तो नहीं, मुझे गिराएगा तो नहीं? नहीं नहीं जी, ऐसी बात है, जिस तरह मर्जी आप कट काटें। अच्छा, पूरा ऑटो कैड मॉडल हर चीज की हुई है इसका, स्पीड इसकी चक्कर थोड़ी। वाह अजन, आज की वीडियो यकीन आपको पसंद आई होगी, हमें सपोर्ट करें इस तरह की। इंशाल्लाह कोई भी ऐसा कोई स्टूडेंट हमारा ऐसा प्रोजेक्ट बनाता है, मुझसे रब्ता करे, मैं उसको दिखाऊंगा, उसको हिट करेंगे, उसकी अगर अच्छी चीज़ होगी प्रोजेक्ट तो उसको ज़रूर लोगों को दिखाएंगे। अरियान भी, थैंक यू सो मच हमारी सपोर्ट आपके लिए। कोई अच्छा इन्वेस्टर अगर इनको देख रहा है, इनके साथ हेल्प करना चाहता है इनकी, और इनके साथ शामिल होकर इस प्रोजेक्ट को अच्छा करना चाहता है, तो इनसे रब्ता कर सकता है। हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।